भाई आज बहुत खुशी का मौका है कि भाई मुकीद आलम साहब के मकान पर जो 10 दिन की तरावी हुई है लुधियाना गुलाबी बाग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हुफ्फाज़े किराम को बड़ी गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है और हुफ्फाज़े किराम की हेल्प मदद करने के बजाय तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। और दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि मसनद नशीन बड़े बड़े उलमाए किराम भी तरावी सुनने और सुनाने वाले हाफिजों की तरावी पर किया गया एजाज व इकराम को नाजायज व हराम कहते हैं। और जब अपनी बारी आती है जलसो जुलूस और दीनी प्रोग्राम में जाने की, तो वहाँ खुद बड़े बड़े नजराने लेते हैं और वो उनके लिए जायज हो जाता है और छोटे छोटे बच्चों, तालिब इल्मों, हाफिजों का नजराना नाजायज और हराम हो जाता है ना दोस्तों, बड़े ताज्जुब की बात। बहरहाल, तरावी सुनने और सुनाने वाले हाफिजों के लिए पंजाब से बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, खबर ये है कि पंजाब के लुधियाना शहर में मुल्कीत आलम भाई के घर पर 10 दिन का कुरान कराया गया, जिसमें मुल्कीत भाई ने दो इमामों और एक तरावी पढ़ाने वाले हाफिज और एक तरावी सुनने वाले हाफिज को एक एक एक्टिवा गाड़ी हदीये में देकर एक मिसाल कायम की है। अल्लाह ताला मुल्कीत भाई के कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए और उनकी तमाम नेक तवक्कुआत को पूरा फरमाए। आमीन।